गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर द कीबोर्ड तो आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ें डू यू नो हु इन्वेंटेड कीबोर्ड अगेन डू यू नो हु इन्वेंटेड कीबोर्ड तो डू यू नो क्या आप जानते हैं हु मतलब किसने इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड का तो क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड का किसने आविष्कार किया यू आर ए जीनियस यहाँ पर लिखा हुआ है हुँ. कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1875 बाय क्रिस्टोफर लेथम सोल्स अगेन कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1875 बाय क्रिस्टोफर लेथम सोल्स तो कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड कीबोर्ड का आविष्कार किया गया इन द ईयर 1875. 1875 में बाय क्रिस्टोफर लेथम सोल्स तो कीबोर्ड का आविष्कार 1875 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा किया गया यू आर ए जीनियस आप बहुत बुद्धिमान हैं फ्रेंड्स लुक एट द पिक्चर दिस इज ए की बोर्ड इट लुक्स लाइक अ पियानो अगेन फ्रेंड्स लुक एट द पिक्चर तो दोस्तों पिक्चर की तरफ देखिए चित्र की ओर देखिए दिस इज ए की बोर्ड यह एक कीबोर्ड है इट लुक्स लाइक ए पियानो यह पियानो की तरह दिखता है अब यहां पर एक फैक्ट दिया गया डिड यू नो क्या आप जानते थे कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1875 बाय क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि कीबोर्ड 1875 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा आविष्कार आविष्कृत किया गया द कीबोर्ड इज ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर अगेन द कीबोर्ड इज ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर द कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर पार्ट मतलब भाग है ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का तो कीबोर्ड कंप्यूटर का एक सुंदर हिस्सा है इट कमांड्स द होल कंप्यूटर सिस्टम अगेन इट कमांड्स द होल कंप्यूटर सिस्टम इट कमांड्स मतलब यह निर्देश देता है द होल कंप्यूटर सिस्टम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को तो यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देता है सम मॉडर्न कीबोर्ड आर बींग यूज विच कंटेंट्स हॉट कीज और बटन्स फॉर बैटर प्रोसेसिंग अगेन सम मॉडर्न की बोर्ड्स आर बींग यूज विच कंटेंस हॉटकीज और बटंस फॉर बैटर प्रोसेसिंग सम मॉडर्न कुछ आधुनिक कीबोर्ड आर बींग यूज उपयोग में लिए जा रहे हैं विच कंटेंस जिसमें सम्मिलित होते हैं हॉटकीज और बटन्स फॉर बैटर प्रोसेसिंग अच्छी संसाधन के लिए तो आजकल कुछ आधुनिक कीबोर्ड काम में लिए जा रहे हैं जिनमें कीज और बटन सम्मिलित होते हैं अच्छी संसाधन के लिए प्रोसेसिंग के लिए तो आज के का हमारा चैप्टर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है इसकी आपको रीडिंग लगानी है इसकी प्रैक्टिस करनी है थैंक यू कीप प्रैक्टिसिंग